आप ले लीजिए साड़ी, कुछ नहीं होगा, वो बुरा नहीं माने। तो हम रख लेते हैं हाँ, और हम आपको पहनकर भी दिखाएंगे। आज हम इस भिखारी को ऐसी डिश खिलाएंगे जो दुनिया में शायद ही किसी ने बनाई होगी। फिर हम भाभी जी के घर जाकर चेक करेंगे। आज भभूति जी आपको घुइया की खीर भेजने वाले। तुम आज क्या लायो? घुइया की खीर? आपका भेद खुल चुका है मिस्टर भभूति नारायण भिखारी। एक्चुअली वो बिबू, बस तुम घर आओ, मैं तुमसे घर पे निपटती हूँ। अभी अनु बहुत बैंड बजाएगी तेरा। चलो भाई, हमने अपना बैग पैक कर लिया है। आई एम श्योर कि अनु मुझे घर से लात मार कर निकाल देगी। ठीक है, मैंने अपना सामान पैक कर लिया है। तो मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकालने वाली हो तो मैंने कहा पहले पैकिंग कर लूँ, क्योंकि क्या है कि बिना तैयारी के बाहर जाता हूँ ना तो बहुत तकलीफ होती है, मेरा हाइजीन कॉम्प्रोमाइज होता है। जानती, मुझे सवेरे ब्रश करने की आदत है। लास्ट टाइम मुझे वो पेलू का ब्रश शेयर करना पड़ा। सो वैसे मैं तुम्हें घर से बाहर ही निकालने वाली थी, लेकिन विभु मैंने अभी रियलाइज किया कि अगर तुम्हारी किस्मत में भीख मांगना लिखा है, अगर तुम्हारे स्टार्स में भीख मांगना लिखा है तो तुम्हें भीख मांगने से कोई कैसे रोक सकता है? Are you joking? I'm serious, विभु। देखो, मैं तुम्हें समझाती हूँ। हर इंसान में ना एक हुनर का किरदार छुपा हुआ होता है। जैसे जैसे कोई किसी में डॉक्टर का किरदार छुपा हुआ होता है, किसी में इंजीनियर का किरदार छुपा हुआ होता है। वो विभु, तुम्हारे अंदर एक भिखारी छुपा हुआ है। यू आर अ बॉर्न भिखारी। और तुम्हारे अंदर के इस छुपे हुए टैलेंट को, तुम्हारे अंदर के इस भिखारी को मैं समझ ही नहीं पाई थी। आई वाज रॉन्ग। वेल, तो मैं क्या करूं? वेरी इम्प्रेस्ड। मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि ये जो तुम्हारे अंदर भीख मांगने के प्रति रुझान है, वो बचपन से था? एक्चुअली क्या है कि ये रुझान मुझे बचपन से ही था। जब मैं स्कूल में था तो जब मुझे कोई फिल्म देखनी होती थी तो मैं क्लास बंक करके जाता था, स्टेशन पर खड़े होकर भीख मांगता था और उन पैसों से मैं फिल्म देखता था, पॉपकॉर्न खाता था और कोल्ड ड्रिंक पीता था। दैट यूज्ड टू बी माय रेगुलर रूटीन। वाओ विभु, वाओ। और जो मैंने तुम्हें गिफ्ट दिए कॉलेज के टाइम में, वो सब भीख के पैसों से ही हैं। और वो जो तुम मुझे गुलाब के फूल दिया करते थे, वो तुम्हारे घर के पीछे जो कब्रिस्तान था ना, वहां से लेके आया करता था मैं। मैं बहुत खुश हूँ आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज तुम ना भिखारी वाली जुबान बोल रहे हो। और देखो, मैं ना इस बात को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि इंसान अपने आप को समझ ले और अपने दायरे में रहे, और तुम ना आज अपनी भिखारी वाली जुबान बोल रहे हो, अपनी जुबान बोल रहे हो। ऑसम। तो मैं क्या करूँ? भीख मांगो? मतलब तुम मेरे भीख मांगने से नाराज नहीं? नहीं, मैं क्यों नाराज होंगी? मैं तुम्हारे इस टैलेंट में तुम्हें सपोर्ट करूंगी विभु, आई विल सपोर्ट यू। तुम मेरे साथ भीख मांगोगी? तुम्हारा फेस नहीं भीख मांगने वाला। एक्चुअली तुम्हें इस फेस को ना काला करना होगा, मैनेज हो जाएगा। हाँ ठीक है। नहीं नहीं, मैं नहीं मांगूंगी भीख। मैं तुम्हारे भीख से आए हुए कलेक्शन को मैनेज करूंगी। आई विल मैनेज दैट। आई गॉट इट। जैसे रॉक बैंड का एक मैनेजर होता है, वैसे तुम हमारी मैनेजर होगी। भाभी जी घर पर हैं? आइए आइए, तुम्हारी जी आइए। भाभी जी, वो वकील से बात करके आ रहे हैं, तलाक के कागजात तैयार करवा दिए हैं। अच्छा, आप अपना नाम यही लिखते हैं ना, भभूति आहूति नारायण मिश्रा, ये लिखते हैं? मेरे नाम से क्या मतलब है आपका? हाँ, मेरे नाम से क्या मतलब है? भाभी जी, किसका तलाक करा रहे हैं आप? भाभी जी, आपका और भभूति जी का, और किसका? What? पगला गए क्या? दिमाग खराब हो गया आपका? मेरा और विभू का तलाक क्यों करवा रहे हैं? नहीं भाभी जी, हम क्यों करवाएंगे? आप खुद देंगी तलाक भभूति जी को, क्योंकि एक भिखारी के साथ रहना तो आपकी शान शौकत के खिलाफ है ना भाभी जी। ये किसने कह दिया आपको? तिवारी जी, क्या कह रहे हैं आप? अरे विभू में इतना बड़ा टैलेंट है, इतनी कला है उसमें भीख मांगने की।
मुझे कोई आपत्ति नहीं है विभू भीख मांगे तो। आप क्या कह रही हैं भाभी जी? ऑफ कोर्स तिवारी जी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है विभू अगर भीख मांगे तो। अगर आपको आपत्ति है तो आप हमारे पड़ोस से शिफ्ट कर जाइए। निकलिए यहां से, चलिए निकलिए। You nailed it big time, huh? Yeah. क्या है, क्या कर रहे हो? टाइम ना वेस्ट करो, जाओ भीख मांगो। अरे भाई, भीख का टाइम हो गया है। दे बाब, कुछ तो दे के जा बाब, तेरे दर पे आए है बाब। गुड वन। अरे भाभी जी घर पर हैं? आ रहे हैं। हाय दिया, ये कौन भिखारी हमारे घर में घुसा आए हैं? कौन हो तुम? हाँ भाभी जी, ये भिखारी और कोई नहीं, आपका प्यारा, आपका दुलारा, आपका दीवाना लड्डू। नहीं नाम है ना भाई का, अभी इतना ऑब्वियस, अभी आप मेरी आवाज तक नहीं पहचानती। अभी जी विभूति नारायण मिश्रा। कम ऑन, बैठिए। हाँ विभूति जी। या हाँ, वैसे हमको पता चल गया है हाँ कि आप भिखारी बन गए हैं। या लेकिन हमको एक छुपा समझ ना ही आया कि आप काहे भीख मांग रहे हैं। हाँ भाभी जी, मैं अकेला भीख नहीं मांग रहा हूँ, इस दुनिया में हर एक शख्स, हर एक इंसान भीख मांग रहा है। नेता वोटों के लिए भीख मांग रहा है, अभिनेता रोल के लिए भीख मांग रहा है, प्रेमी प्यार के लिए भीख मांग रहा है, बेरोजगार रोजगार के लिए भीख मांग रहा है, और मंदिर के बाहर सुबह से शाम से इतनी लंबी लंबी लाइन लगी रहती है भाभी जी, तो हर इंसान भगवान से कुछ ना कुछ तो मांग ही रहा है। तो अगर मैं कुछ मांग रहा हूं तो इतने बड़े सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? क्या बात है, कितना सच्ची बात बोल दिए आप, कितना बड़ा बात बोल दिए। हम भी तो भगवान जी से रोज ही कछु ना कछु लड्डू के भैया के लिए मांगते ही रहते हैं। और हम भी तो आपकी मोहब्बत की भीख मांगते रहते हैं। क्या बोले भाभी जी? देखिए, मैं जो कुछ भी हूँ, जैसा भी हूँ, आपके सामने हूँ। मेरी खुददारी मुझसे ये कहती है कि मैं किसी से कुछ ना छुपाऊं। I'm black or white, I'm 50 shades of gray। भाभी जी, मुझे अपने भिखारी होने पर गर्व है। आज हमको भी आप पर ना बहुत क्राउड फील हो रहा है, बहुत क्राउड। आप शायद प्राउड फील कहना चाह रही हैं। सही पकड़े हैं। हम दुआ करेंगे कि आप बहुत बड़े भिखारी बने, बहुत बड़े भिखारी। ये दुनिया में जब भी भिखारियों का नाम आए ना, तो आपका नाम सबसे ऊपर हो। आप कानपुर में ही ना ही, बल्कि कानपुर के बाहर भी भीख मांगे। जैसे अब जैसे फैजाबाद में, रामपुर में, भिंड मुरैना में, भदोई में, भराइच में। बस बस भाभी जी, बस कितनी भीख मंगवाएंगी? इतना ही ना ही, हम तो ये भी दुआ करेंगे कि जब भी कोनो भिखारियों पर किताब लिखी जाए ना, तो आपका नाम सुनहरे अक्षरों से लिखा जाए। हाँ। अजय रुकिए रुकिए, हमको एक बात याद आई। हाँ, कल रात का खाना बचा है, तो आपके लिए लेकर आते हैं। और आज के बाद जब भी खाना बचेगा ना, बासी खाना, तो आपके सामने ही डालेंगे। हमारे घर भिखारी आए हैं। निकल ले बेटा, भाभी जी को ज्यादा ही सीरियस हो गई। अब मेरे यहाँ भी बासी खाना बचा है, डाल दू क्या? कीड़े पड़ेंगे तेरे को। तो बड़ा उंगलियां मोड़ो ऐसे और तेज करो ऐसे, ये ऐसे एग्जैक्टली exactly, हाँ भैया, मुंह से झाग भी निकाल सकते हैं करके? झाग निकालो, अच्छा है। इट विल बी एडिटिंग। What is this? इतने मैले हो रहे हो, इतने गंदे कपड़े पहनकर मेरे अच्छे सोफे पे बैठ गए। चलो उतरो, नीचे बैठो। Oh God, common sense है कि नहीं तुम लोगों में? सारा सोफा खराब कर दिया। ठीक है, what is this? Common sense use करो करो। मेरा तो घर है, मैं नहीं नीचे बैठूंगा। ठीक है ठीक है, लेकिन पैर नीचे करो और दूर दूर रहो, थोड़ा दूर रहो। हाँ दूर हूँ बाबा। हाँ ठीक है, बताओ कितना रहा तुम्हारा कलेक्शन? 500 रुपए मैडम। 500 रुपए? What is this? अरे सुबह से लेकर शाम तक तुम भीख मांग रहे हो और तुम्हारा कलेक्शन सिर्फ 500 रुपए? ऐसा कैसे हो सकता है? This is very poor performance.
लुक तो तुम्हारा बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल भिखारी लगते हो तुम। देखो तुम्हें अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी पड़ेगी। तुम्हारा टारगेट है 5,000 रुपए पर डे। अगर झकर खटी का लोकेशन नहीं ठीक लग रहा है तो लोकेशन चेंज करो, स्ट्रेटजी चेंज करो। जी। नेक्स्ट टिल्लू। जी मैडम। तुम्हारा कलेक्शन? मैडम मेरा पूरे 2,000 रुपए हुआ। गुड, 2,000 इज बेटर। नेक्स्ट। मैडम जी मेरा 200 रुपए का हुआ है। 200 रुपए? क्या कर रहे हो तुम लोग, भीख मांग रहे हो कि मजाक कर रहे हो? अरे क्या करें मैडम, आजकल महंगाई इतनी है रही है, कोई भीख ही नहीं देता है। मैडम जी लोग पता कहाँ कहते आते जाते कि तुम इतने हत्ते कट्टे मुस्तंडे हरे फिर भी भीख मांग रहे, तुम्हारे शरण लाद ना रही के डूब का मर जाओ। क्यों हो इतने हेल्दी हट्टे कट्टे? अरे प्लास्टर चढ़ाओ, हाथ पे प्लास्टर चढ़ाओ, पैर पे प्लास्टर चढ़ाओ, लोगों को दया आनी चाहिए तुमको देखकर। ठीक है मैडम चढ़वा लेंगे प्लास्टर। विभु तुम्हारा कलेक्शन कितना है? बेबी 10,000। वाओ 10,000? या बेबी। विभु सो प्राउड ऑफ यू। देखा मुझे पता था तुम्हारे अंदर एक अव्वल नंबर का भिखारी छुपा हुआ है। यू आर माय बेस्ट भिखारी। हेलो भाभी जी। आइए आइए भिखारी जी, आई मीन तिवारी जी। भाभी जी हमें बहुत बुरा लग रहा है, ये सब तो है ही भिखारी लेकिन इनके साथ साथ आप भी। क्या प्रॉब्लम है, ये भी तो एक इतना बड़ा बिजनेस है। लेकिन भाभी जी ये बिजनेस हम आप जैसी संभ्रांत महिला को नहीं करने देंगे, ये सब देखने से पहले हम गंगा जी में डूब मरना पसंद करेंगे। तो किसने पकड़ा है आपको, डूब मरिए ना। आप अपनी चोंच बंद रखेंगे? तिवारी जी ये बिजनेस टाइम है, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं हमारा, प्लीज जाइए यहाँ से। क्या फाड़ दिया आपने, वसीयत फाड़ दी फिर से आपने? अरे ये सिर्फ कागज थे, तेरी चाची ने लंदन में मेरे सारे खाते जो हैं वो सील करवा दिए। अब मेरे पास एक दाना नहीं बचा, कौड़ी कौड़ी के लिए तरस गया हूँ, सड़क पर आ गया हूँ। कचड़ू तू बता मैं क्या करूं। इससे पहले कभी आपने भीख मांगी है क्या? अरे लड़ने जब गया था तो शुरू में भीख ही तो मांगता था। दे दे बाबा, ऊपर वाले के नाम पे दे दे बाबा। तो आपको भीख मांगने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इसका मतलब? हाँ, शुरू में 5 साल लंदन में भीख मांगी, उसके बाद जो पैसा इकट्ठा हुआ उससे बिजनेस शुरू करके तभी तो इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया भाई। और चाची आपका सारा एम्पायर लेकर चंपत हो गई और आपको दोबारा भिखारी बना गई। मेरे जख्मों पे नमक मत चढ़ा समझे, चुपचाप से भीख मांग चल। अच्छा बताइए किस अंदाज से आप भीख मांगेंगे सर, दिखाई। अगर मेरा फार्मूला तूने सीख लिया ना तो ऐसे चुटकियों में माला माल होगा। देख दे 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 दे। इस भूखे भिखारी को कुछ दे दे बाबा, अरे दे दे बाबा, जो दे उसका भला, जो ना दे उसका कटे गला। दे दे बाबा, दे दे बाबा, दे दे।
ओहो अरे चाचा जी दंडवत प्रणाम। चाचा जी आप भी भीख मांग रहे हैं? और श्रीमान भभूति नारायण भिखारी जी, चाचा जी क्या लंदन में भी भीख ही मांगा करते थे? हाँ, मैं लंदन में भीख मांगता था। बोल, तेरे गुर्दे क्यों छिल रहे हैं? हमारे गुर्दे इसलिए छिल रहे हैं क्योंकि पता नहीं भाभी जी आप जैसे भिखारियों के चंगुल में कहां से फंस गई। सदा बकिए मत, पहले अपने गिरवान में झांक के देखिए। हम तो भीख ही मांग रहे हैं लेकिन आपकी तरह झूठ झूठ बोलकर वो फॉल्टी कच्चे बनियान नहीं बेच रहे लोगों को। तो भीख मांग कर कौन सा मोहल्ले का नाम रोशन कर रहे हैं आप? हमें तो शर्म आती है आप जैसे लोगों को अपना पड़ोसी कहते हुए। तो शर्म आती है, डूब मरिए गंगा जी में ना। हम का ही डूब मरे? आप डूब मरिए। आपने भाभी जी सभ्रांत महिला को धोखा दिया है। अबे चुप कच्चा बनियान, वो कचेड़ू की बीवी है, वो उसे धोखा दे या कुछ भी करे, तेरे गुर्दे क्यों लाल हो रहे हैं? वो क्या तेरी पैन लगती है? भैया अब हम वहाँ पर भीख नहीं मांगेंगे, वहाँ पर बहुत धूप पड़ती है। भैया जी अब वहाँ पे ना इक्के दुक्के लोग ही आ जा रहे थे। अच्छा बताओ कलेक्शन कितना हुआ? गुइया का कलेक्शन हुआ है, कोई भी कमबख्त मारा अपनी जेब से एक रुपए भी निकालने को तैयार ना हो रहा है। भैया उस जगह से है ना हमारा ट्रांसफर करवा दो आप। हाँ। मैं तो यूं कह रहा हूँ कि कल से ना यही मंदिर पे आके बैठ जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये हमारा ठिया है, तुम्हारा इंतजाम करूंगा कहीं। ये कोई बात थोड़ी भैया, क्या है? क्यों बे सालो, ये क्या तुम्हारे बाप की जगह है कि यहाँ बैठ के भीख मांग रहे हो? तू कौन है बे? कौन है बे? अरे इस इलाके का मैं भिखारी हूँ। यहाँ हमारी गैंग के सिवा और कोई भीख नहीं मांग सकता। अरे तेरे बाप की जगह है जो यहाँ कोई भीख नहीं मांग सकता। अरे बहू अभी पता चल जाएगा किसकी जगह है ये साले। मारो सालों को, मारो सालों को। वाह 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 वाह, क्या लुक है आप लोगों का। अब आप लग रहे हैं बिल्कुल सच्चे दुनिया के सताए हुए भिखारी। क्या मतलब? अरे मतलब ये कि जब तक भिखारी जरा टूटे फूटे ना हो, हाथ में पट्टी ना बंधी हो, तब तक असली भिखारी नहीं लगते। लोगों को दया नहीं आती। अरे इसीलिए तो आपका कलेक्शन नहीं हो रहा था। अब देखना, आप देखना विभू लोगों को क्या दया आती है आप लोगों पर, क्या भीख मिलेगी अब आपको। तुम किस किमाश की औरत हो यार? यार हस्बैंड टूटा फूटा पड़ा है, तुम कलेक्शन की बात कर रही हो? हाउ हार्टलेस कैन यू गेट। अरे ये तेरी चाची पे गई है, उसे भी मेरी कोई चिंता नहीं है। चाची जी क्या बात कर रहे हैं, इसमें चिंता की क्या बात है? अरे ये तो इन्वेस्टमेंट है बिजनेस का। चलिए चलिए फटाफट, ये बहुत अच्छी सिचुएशन है, बहुत बढ़िया लुक है, निकलिए भीख मांगने। भाभी जी बहुत दर्द है रहा हुआ है। ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल यही दर्द दिखाना है आपको लोगों को। फिर देखो तुम्हें कितनी अच्छी भीख मिलेगी। लेकिन भाभी जी जो दूसरे भिखारी आ गए उनको क्या करना है? हाँ भाभी, उन भिखारियों ने हमें धमकी दी है, अगर उनके इलाके में भीख मांगते पाए गए ना तो वो कमबख्त मारे फिर से हमें धो देंगे। नहीं 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 नहीं, देखो हर बिजनेस में राइवल्स होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप डर कर घर में बैठ जाएंगे, डट के मुकाबला करो उनका। अरे बहू तू समझ क्यों नहीं रही है, वो बहुत ही खतरनाक टाइप के भिखारी है, बहुत मारते हैं। उन्होंने मेरा माता सड़क पर रगड़ दिया पता है। अरे तो क्या हुआ, हमने चूड़ियां थोड़ी ना पहन रखी हैं, हम भी डटकर मुकाबला करेंगे, हम भी मारेंगे उनको। हम भीख मांगने नहीं जाएंगे। पागल हो गए हो क्या विभू तुम? हाँ have you lost your mind? ऐसे कैसे नहीं जाओगे? मैं तुमसे कोई पहाड़ तोड़ने के लिए कह रही हूँ, अरे भीख मांगने में क्या प्रॉब्लम है? और ये प्रोफेशन तुमने खुद ने चूज किया है। ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, मैं आपका पसंदीदा न्यूज रिपोर्टर हेलमेट प्रसाद। अभी अभी सूत्रों से पता चला है
कि शहर में बढ़ रही दिन ब दिन आपराधिक वारदातों के पीछे भिखारियों के गैंग का हाथ है। इसलिए पुलिस प्रशासन ने शहर के सभी भिखारियों की धरपकड़ शुरू कर दी। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, विनती करता हूं कि अगर आपको आपके आसपास कोई भी भिखारी नजर आए तो कृपया 100 नंबर पर डायल करके तुरंत पुलिस को सूचित करें। हेलो भाभी जी, हैप्पी दिवाली, दिस गिफ्ट फॉर यू। थैंक यू तिवारी जी। अनीता जी, आपको दिवाली का ढेर सारा शुभकामनाएं। आपको भी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हदिया, ये इन सब भिखारियों को क्या हुआ? खैर भाभी जी, आप घर में बैठी क्या कर रही हैं इन भिखारियों के साथ? चलिए बाहर बैठ, दिवाली मनाएंगे, आइए। ऐसा? चलिए फिर, ऐसी बात है तो भीख मांगना कैंसिल। चलिए हम लोग दिवाली मनाते हैं। किस हाथ से? यार टीका मलखान, अपनी गली सजी हुई कितनी प्यारी लग रही है भैया। नमस्ते भैया, हैप्पी दिवाली। नमस्ते, हैप्पी दिवाली। अरे लड्डू यार, पटाखे वटाखे लेकर आया? पटाखे चलाएंगे यहाँ पर यार। भैया इस बार कोई पटाखे नहीं चलाएगा। क्यों ना जलाएंगे? क्योंकि पटाखे जलाने से प्रदूषण होता है और उससे हमारे वातावरण को नुकसान होता है। लड्डू, वेल सेड। मेरा प्यारा लड्डू कितनी अच्छी बातें करने लगा है। हाँ, सब बच्चों को अब तुम्हारी तरह ही सोचना चाहिए। हैप्पी दिवाली लड्डू। हैप्पी दिवाली भाभी जी। बस बस, वो क्या है, मुस्कुराओ ना। अरे दिवाली है, चलो मुस्कुराओ। छोड़ो यार, मेरा मूड खराब है। हाँ भरभूति जी, ये लड्डू खाइए, अभी आपका मूड बना एकदम मस्त कर देते हैं। लीजिए, हैप्पी दिवाली। भाभी जी, हैप्पी दिवाली। लीजिए भाभी जी, मुंह मीठा कीजिए। थैंक यू तिवारी जी, आपको भी हैप्पी दिवाली। <भाई लो। laughs>